हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। चलिए फिर से हम फटाफट जूस बनाते हैं और इस जूस का नाम मैंने रखा है सनराइज। इसका नाम सनराइज क्यों है ये आप आगे वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस जूस के लिए हमें चाहिए 2 ऑरेंज, आप किनू भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डालिए। इतना बड़ा एक पपीता का टुकड़ा जो कटने के बाद लगभग 2 कप होगा, ये 2 गाजर और थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, ये सब हमने कट कर लिया है। और आइए इसको हम डालते हैं मिक्सी के जार में। अगर आप मिक्सी में बना रहे हैं तो ये ऑरेंज के बीज आप निकाल लें। मैं मिक्सी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास मिक्सी तो होता है लेकिन जूसर नहीं हो सकता है, इसलिए आप मिक्सी में कैसे आसानी से बना सकते हैं इसलिए मैं मिक्सी में बना के दिखा रही हूँ। आइए फिर पीस लेते हैं इसको। ये मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, साथ ही में आप जब मिक्सी में पीस रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी, आप 1 कप के करीब पानी डाल लें। हमारा बिल्कुल पीस गया है, आइए इसको छान लेते हैं। इसके लिए मैंने ये एक मलमल का कपड़ा लिया है, इसको धो करके ले लिया है, आप जिसमें भी चाहें उसमें छान सकते हैं। आइए इसको छान लेते हैं। जूस हमारा छान कर बिल्कुल रेडी है, आइए इनको सर्व कर लेते हैं। मैं जो भी जूस बना रही हूँ वो 2 लोगों के लिए काफी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है, इसलिए मैंने इस जूस का नाम रख दिया है सनराइज। है ना, बिल्कुल सुबह की हल्की हल्की लालिमा जब होती है सनराइज के टाइम, तो बिल्कुल ऐसा ही कलर होता है। बिल्कुल रेडी है हमारा जूस, कितना सुंदर लग रहा है ना।